गाइज, क्या आप भी चाहते हैं एक पर्सनल स्पोर्ट कार जिसे आप भी ड्राइव कर सकें? तो आज की इस वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी कूल स्पोर्ट कार और बाइक से जिन्हें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं इनके लिए तो चलिए फटाफट वीडियो को करके अभी से लाइक और चैनल को करके सब्सक्राइब, बैठ जाइएगा बिल्कुल रिलैक्स होकर और हम चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारी पुरानी गेम्स भी बदलती जा रही हैं। जैसे हम बचपन में भाग दौड़ करके हाइड एंड सीक जैसे गेम्स खेलते थे, लेकिन इन गेम्स का लेवल भी अब अलग होता जा रहा है। और आजकल ये सेगवे बोर्ड अपने आप में ही एक कमाल का व्हीकल होगा। दरअसल ये एक सेल्फ बैलेंसिंग टू व्हीलर बोर्ड जैसा है और इसमें आप खड़े होकर ट्रैवल कर सकते हैं। गाइस, इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड 15 किलोमीटर तक की मिल जाती है, साथ ही इसे कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर भी दिया रहेगा। गाइस, इस 9 बोर्ड का बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसके टायर्स में आपको RGB LEDs मिल जाती है और ये आपके एक बटन दबाते ही आपको फॉलो करने लगेगा। तो काफी मजेदार होने वाला है ये सेगवे 9 बोर्ड, जो कि आपके फन को और भी ज्यादा मजेदार बनाएगा। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के लिए तो एक लाइक बनता ही बनता है। नंबर 2 पर आ जाती है ये लेजर बैटल हंटर गन, जो कि आरसी कार फैंस के लिए कमाल की आरसी कार होने वाली है। दोस्तों, आपने कई वीडियो गेम्स में देखा होगा जिसमें कि कार से लेजर निकलती है और दूसरी कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब ये चीज वीडियो गेम से बाहर निकलकर आ चुकी है हमारे रियल वर्ल्ड पर, क्योंकि आरसी कार लेजर बैटल के लिए ही बनी है और इन्हें आप अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअल में इसमें लेजर बीम्स निकलती हैं और जैसे ये लेजर बीम हिट करती है सामने वाले ओपोनेंट पर और वो गेम को लूज कर देता है। दोस्तों, ये और भी मजेदार होता है क्योंकि इसमें मल्टी डायरेक्शनल व्हील्स अटैच होते हैं, जिससे आप फाइटिंग के दौरान काफी अच्छे अच्छे मूव्स कर लेते हैं, लाइक लेजर मारकर आसानी से इधर उधर छिप भी सकते हैं। अब गाइस, ये सब करने के लिए आपको एक कमाल का कंट्रोलर दिया रहेगा, जो कि देखने में काफी सही लगता है। तो कमाल की रहेगी ये लेजर बैटल हंटर आरसी कार, जो कि काफी अट्रैक्टिव और डिफरेंट कलर के सेट में आती है। तो फिर तैयार हो जाइए इस एक्शन के लिए और इस आरसी टॉय कार के लिए। गाइस यार, एक लाइक तो बनता ही बनता है। वैसे तो रेसिंग टॉय कार हम सभी को पसंद आती हैं, बट अगर वो टॉय कार हमारी ड्रीम कार हो तो फिर उसे चलाना और भी मजेदार रहता है। गाइस, लाइटनिंग मैक्वीन को हम सब तो बचपन से जानते हैं। गाइस, मैक्वीन बिल्कुल रियल कार की तरह फील देगी, क्योंकि इसके फ्रंट में इंटरैक्टिव स्क्रीन लगी होती है और इसकी आईज रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमने इसको मूवीज में देखते आए हैं। इसके अलावा और भी कई फिजिकल एट्रीब्यूट्स रहते हैं, लाइक इसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर्स मिल जाते हैं और कस्टम स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। साथ इसमें एंड्रॉयड सपोर्ट भी रहता है, जो कि हमेशा स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। और फिर आ जाते हैं इसके कंट्रोल्स और फिर कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं इसकी ऑफिशियल ऐप पर। तो गाइज, ये बड़ी ही शानदार रहेगी लाइटनिंग मैक्वीन आप सबके पास में, जिसे आप अमेजोन से 500 रुपए से लेकर 15,000 तक की रेंज में परचेज कर पाएंगे। और गाइज, आपको मालूम होगा कि हमेशा की तरह इसका परचेज लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। दोस्तों, अगर आप मॉल्स वगैरह जाते रहते हो तो आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए एक मिनी बाइक राइडिंग रहती है। तो अभी आप देखने वाले एक ऐसी ही रिमोट कंट्रोल बाइक को, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी आपकी दूसरी बाइक से। दोस्तों, ये बाइक एक तरह की मिनी आरसी बाइक है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स दिए रहते हैं और फिर ये चीज कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए काफी सही रहने वाली है। तो अगर आप भी अपने किड्स वगैरह के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं एक आरसी बाइक, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब गाइस, हम मिलते हैं एक ऐसे रोबोट से जिसकी नेक्स्ट लेवल स्किल्स और परफॉर्मेंस से दूसरे रोबोट इसके कंपैरिजन में नीचे ही रहते हैं। बेसिकली ये नैबोट एक रिमोट कंट्रोल प्रोग्रामेबल रोबोट है और इसके फ्रंट में स्ट्रॉन्ग आर्म अटैच होते हैं, जो कि अपने पूरे एफर्ट के साथ चीजों को मूव और ग्रैब करने में हेल्प करते हैं। गाइस, इसका पावरफुल इंटेलिजेंस खुद को एक्सप्लोर करता है और डे बाय डे सेल्फ अपग्रेड भी होता है। साथ ही इसकी ऐप में आप चाहें तो अपने हिसाब से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। गाइस, आप इसे इस हद तक ट्रेन कर सकते हैं कि ये छोटे मोटे काम तो इजीली कर लेता है, लाइक हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसे डिफरेंट टास्क दे सकते हैं और ये प्रोग्राम भी हो जाता है उन टास्क के लिए। एंड गाइस, इसके ओवरऑल लुक्स पर अगर हम नजर डालें तो इसके फेस के प्लेस पर एक स्मार्ट रिकॉग्निशन कैम अटैच होता है, जो कि ओनर को ट्रैक करता है और वॉइस कमांड पर भी वर्क करता है। गाइस, ये रोबोट किसके बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग के लिए तो बेस्ट होगा और कहीं ना कहीं बेहद यूजफुल हो जाएगा आपकी डेली लाइफ में। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये मजेदार रोबोट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और गाइस, पसंद आया हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा।
सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही कमाल की धांसू वीडियोस। तो गाइस मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए धांसू गैजेट्स के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।